आपने पानी, दूध समेत कई चीजों को बोतलों में बंद देखा होगा, लेकिन क्या आपने बोतलों में बंद हवा को बिकते देखा है? शायद नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कहां हवा को बोतलों में कैद कर बेचा जा रहा है। दरअसल आबादी के बाद प्रदूषण की मार झेल रहे चीन में नौबत इस हद तक आ गई है कि शुद्ध हवा को बोतलों में बंद करके बेचा जा रहा है। चीन में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण जहां सबकी चिंता का कारण बना हुआ है, वहीं कनाडा की एक कंपनी इस मौके को कैश कर खूब पैसा कमा रही है। इस कंपनी का दावा है कि ये लोगों को ताजा पर्वतीय हवा से भरी बोतलें बेच रही है जिसकी कीमत 1,870 रुपए यानी कि $28 है। कंपनी का दावा है कि वे कनाडा के बैंफ और लेक लुइस से ताजी हवा बोतलों में भरकर चीन में ला रही है। ये बोतलें लोगों का ध्यान खींच रही हैं और इन्हें खरीदने के लिए अभी से होड़ भी शुरू हो चुकी है। वाइटेलिटी एयर नाम की कंपनी प्रीमियम ऑक्सीजन की बोतल के लिए करीब 1,870 रुपए वसूल रही है, जबकि बैंफ एयर की बोतल के लिए लोगों को करीब 1,600 रुपए देने पड़ रहे हैं। चीन में वाइटेलिटी एयर के रिप्रेजेंटेटिव हैरिसन वैंग ने बताया कि जैसे ही चीन की वेबसाइट ताओबाओ पर बोतलों को बेचने के लिए रखा गया, उन्हें तुरंत खरीद भी लिया गया। कंपनी ने करीब 2 महीने पहले चीन में इन बोतलों की मार्केटिंग शुरू की थी। 500 बोतलों की बिक्री हो चुकी है जबकि 700 बोतलों की शिपिंग की जा रही है। बैंग ने बताया कि चीन में प्रदूषण उनकी कंपनी के लिए बड़ी चिंता का विषय है और वो चाहते हैं कि लोगों को ताजी हवा में सांस लेने का मौका मिले। चीन के प्रदूषण को कैश कर रही वाइटेलिटी एयर अकेली ऐसी कंपनी नहीं है, बल्कि यहाँ हाल ही में एयर फिल्टरेशन मशीनें भी लगाई गई हैं और इसका फायदा उठाने वालों से अच्छी खासी रकम भी वसूली जा रही है। इतना ही नहीं, चीन में एक रेस्टोरेंट ने तो बाकायदा अपने यहाँ फिल्टरेशन मशीन लगवा दी है और लोगों को शुद्ध हवा उपलब्ध कराने के दावे के साथ ही उनके खाने के बिल में हवा के लिए भी चार्ज वसूल कर रही है। यानी डर और लोगों की परेशानियों से कंपनियां चीन में जमकर फायदा उठा रही हैं।